हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी वाइव्स। मैं हूं पल्लवी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटी वाइव्स में। सो गाइस, आपको तो पता ही है कि शादियों का सीज़न आ गया है एंड अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं थोड़ा सा इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक। जैसे कि शादी के बाद जो इंडियन ब्राइड्स होती हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किस तरीके का मेकअप करें, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना रही हूँ कि उनको पता लग सके कि उनको किस तरीके का मेकअप करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि कुछ बिगनर्स ऐसे होते हैं जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उनके लिए आज मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को कर लेना है मॉइस्चराइज। उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे सीरम, आप कोई भी सीरम ले सकते हो। मैं यहाँ पे विटामिन सी का सीरम ले रही हूँ और मैं इसको अपने हैंड्स पे ले रही हूँ इस तरीके से, एंड उसके बाद मैं इसको ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। गाइस, आप चाहें तो आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे सीरम ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, स्किन में हमारी शाइन भी आ जाती है। सो, ये मैंने अप्लाई कर लिया है सीरम। इसको मैं थोड़ा सा अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दूंगी, उसके बाद मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी। गाइस, आप देख सकते हो शाइन तो आ गई है मेरी स्किन में। इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ यहाँ पे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए हम ले लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर, हमेशा वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना है हमने। इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन। पहले मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो फाउंडेशन है वो अप्लाई करूँगी, ज़्यादा वाइटिश नहीं लगनी चाहिए स्किन। आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले लेना है मॉइस्चराइज़र। एंड इसको डैबिंग मोशन में आपको अपनी स्किन पे चलाते जाना है इस तरीके से। ये देख सकते हो आप, नेक हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ फेस मेकअप करने वाले हैं, नेक मैं बाद में करके आपको बताऊंगी। सो गाइस, फाउंडेशन तो लग चुका है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेंगे एंड कॉम्पैक्ट से हम इसको सेट कर लेंगे। सो ऐसे स्पंज ले लेंगे हम, कोई भी कॉटन पैड ले लेंगे, एंड कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हो आप, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उससे आपने धीरे धीरे क्या करना है, अपनी आईज वाला एरिया सेट कर लेना है एंड यहाँ पे भी सेट कर लेना है, ताकि जो हमारा मेकअप है हमें स्वेटिंग ना हो बिल्कुल भी। गाइस, इस तरीके से अंडर आई में काफ़ी अच्छे से सेट कर लेना है एंड टी जोन में अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि टी जोन में हमें सबसे ज़्यादा ऑयलिंग होती है। सो, मैंने कर लिया है फेस को अच्छे से सेट। इसके बाद गाइज, हम स्टार्ट करने वाले हैं आई मेकअप, जो कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। सो, आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं अपनी ब्राउज को फिल करने वाली हूँ। सो, मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले भी हाउ टू फिल योर ब्राउज। फास्टेस्ट तरीका है वो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है अपनी ब्राउज को फिल करने का, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, फिल हो जाती हैं आईब्रोज। सो, इस तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज को फटाफट से कर लिया है फिल। थोड़ा बहुत जो टच है वो मैं बाद में भी दे दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ ही सब कुछ करना है, थोड़ा सा टच मैं बाद में भी दे दूंगी जो मुझे थोड़ा अनइवन लगता है। और इसके बाद गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आई मेकअप। सो, आई मेकअप के लिए मैं बहुत ही प्यारे प्यारे कलर चूज़ करने वाली हूँ। एक मेरा ब्रश नहीं मिल रहा, एक सेकंड गाइस। सो यस गाइस, मुझे मिल चुका है ये वाला ब्रश, जिससे मैं करने वाली हूँ अभी अपनी आईब्रोज को थोड़ी सी कॉम्ब। सो, ये हो गया है। अब मैं अपनी आईज़ को फिल करने के लिए लेने वाली हूँ आई शेडो पैलेट, आप कोई भी आई शेडो ले सकते हैं। और मैं यहाँ से लेने वाली हूँ हमारा मैरून कलर गाइस, ये वाला कलर लेने वाली हूँ। सो, इस कलर से मैं थोड़ी बहुत आउटर फीलिंग करूँगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें हमारा आई मेकअप कैसे स्टार्ट करना है, तरीका मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि किस तरीके से हमें अपनी आईज़ के मेकअप को स्टार्ट कर सकते हैं। सो, आपने वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है बिल्कुल। आज मैं थोड़ा सा आउटर साइड पे लेके गई हूँ अपने मेकअप को, क्योंकि थोड़ा ब्राइडल मेकअप है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए, थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे लेके गई हूँ। वैसे मैं सब कुछ हमारा इनर आईलिड के ऊपर ही करती हूँ। सो, पहले हम थोड़ा सा विंग टाइप बना लेंगे पूरे में ऐसे करके।
इस तरीके से मैंने आउटर कॉर्नर पे काफ़ी अच्छे से कर लिया है फिल। ओके गाइस, इसके बाद मैं दूसरा ब्रश उठाने वाली हूँ एंड इसको मैं स्मज कर लूँगी। पहले हम आउटर फिल कर रहे हैं ना, जो आउटर वाला कॉर्नर है उसको फिल कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या कर लेना है, अच्छे से कर लेना है स्मज, ताकि बहुत फैला हुआ नज़र ना आए। इस तरीके से इसको मैंने स्मज कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे उठाने वाली हूँ, थोड़ा थिन ब्रश लेने वाली हूँ मैं, एंड थिन ब्रश से मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से ब्लैक शेड लेने वाली हूँ। सो ब्लैक शेड लेके मैंने अपने इस वाले एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, इस तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने बिल्कुल बारीकी से करना है। दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग मेकअप, सो डोंट जज इट। मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ, इसमें कोई जो फाइनल मेकअप है हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कौन सा स्टेप आप कब कर रहे हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू डू मेकअप एंड लास्टली योर मेकअप इज़ लुक फ्लॉलेस। सो इस तरीके से मैंने एज अ आई लाइनर अप्लाई कर लिया है, मेरा जो आई शेडो है वो अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं लेने वाली हूँ ये वाला कलर, डॉल फेस का कलर लेने वाली हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करूँगी ओनली इन माय इनर कॉर्नर्स, जहाँ मैंने आपको पहले बताया है कहाँ मेकअप फिल करना है, बस वहीं फिल कर रही हूँ, ताकि दोनों कलर्स आपस में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरीके से अब ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, मैं इसको बाद में सेट भी करूँगी, बट अभी इसको सेट करने का टाइम नहीं है। अभी बस यहाँ पे जो दिख रहा है बस वही करना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको क्लीन करने की कोशिश की है यहाँ पे एंड यहाँ पे भी। सो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन लुक दिया है, बट अभी काफ़ी कुछ ऐड करना बाकी है। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्राउन शेड, कोको शेड ले रही हूँ। सो कोको शेड मैं अप्लाई करने वाली हूँ आउटर कॉर्नर्स पे, यहाँ यहाँ विद मिक्स करने वाली हूँ ब्लैक इसके साथ। आप चाहें तो एंड में आप फेक आई लैशेज लगा सकते हो, आप ना चाहें तो आप ना लगाइए, इट्स अप टू यू। इस तरीके से थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक शेड मैंने एंड में भी दे दिया ऐसे। अब उसके बाद नेक्स्ट ब्रश उठा के, कोई भी आप थिन ब्रश उठा लीजिए एंड उससे आप उठा लीजिए गोल्डन कलर। यहाँ से मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ एंड ड्रॉ कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे, शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। इस तरीके से क्या करना है, हमने आउटर कॉर्नर पे ऐसे फिल कर लेना है एज वेल एज इनर कॉर्नर पे, इस तरीके से। एंड बीच में मैं गोल्डन का टिंट भी देने वाली हूँ, यहाँ पे ब्लैक मिक्स गोल्डन होने वाला है। सो आप देख सकते हो गोल्डन हो चुका है, एंड जो एंड कॉर्नर है वहाँ भी मैं गोल्डन की शेड दे रही हूँ, ब्लैक मिक्स गोल्डन। तो इट्स रेडी एंड बीच में वही पिंक। इस तरीके से गाइस आपको तीन बनाने हैं, बीच में पिंक एंड बाहर और अंदर गोल्डन, एंड अपर साइड से भी आपको गोल्डन ही यूज़ करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एंड में जो आपको आई मेकअप मिलेगा दैट इज़ रियली फ्लॉलेस। सो ये अब ये थोड़ा सा और ना लगे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैरून भी मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये सारे कलर जो है आपस में क्या हो जाएं, स्मज हो जाएं। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू टेक गोल्डन इन दिस साइड। मैं दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सो गाइस, मैंने दोनों आईज पे बिल्कुल सेम कर लिया है। अब जो मेरी लिड है आई लैशेज के बिल्कुल ऊपर, वो थोड़ी सी फेड हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ, एंड जो लोअर लिड है वहाँ पे भी मैं एंड कॉर्नर्स में ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल एंड में अप्लाई करना है,
एंड यहाँ पे थोड़ा सा विंग क्रिएट करने की कोशिश भी करनी है हमने, थोड़ा सा शार्प विंग अगर क्रिएट हो जाए तो। गाइस मेकअप बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, मेकअप बार बार बिखर जाता है, उसको फिर सेट करना पड़ता है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काजल मैं नीचे की साइड लगा रही हूँ, बहुत ही लाइट लाइट लगा रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे तो थोड़ा मेकअप जो है बिगड़ चुका है, इसको यहाँ से मैं सेट कर लूँगी, जो कॉर्नर है इसको सेट कर लूँगी मैं बाद में आईलाइनर से। उसके बाद जो हमारा इनर कॉर्नर है वहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम हाइलाइटर। आपको मैं बाद में मेकअप की जो पिक है ना वो बाहर लगा दूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि कैमरा में अच्छे से लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है कि मेकअप किस तरीके से हो रहा है, गोल्डन शेड भी अच्छे से नहीं दिखी हैं। जैसे गोल्डन जो है ना हमारा गोल्डन मैंने बिल्कुल इस कॉर्नर पे लगा के रखा है, इस पे, एंड इस साइड भी बिल्कुल इस पे लगा के रखा है। इस तरीके से करना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा फिल करना। उसके बाद जो ब्राउन आपकी आई शेडो है ना, ब्राउन शेडो, वो ब्राउन लेके आपको यहाँ यहाँ पे फिल कर लेनी है ताकि थोड़ा नेचुरल लगे, बिल्कुल ब्लैक भी ना लगे। इस तरीके से और यहाँ पे आईज़ के नीचे नीचे भी उसको अप्लाई कर लेना है इस तरीके से, ओके। एंड हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आईलाइनर, दैट इज़ रियली वेरी मस्ट। सो पहले आईलाइनर को कर लेंगे अप्लाई, जिससे जो भी हमारा काजल बिखरा होगा वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप कोई भी शेप बना सकते हो, विंग बना लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है ना वैसा बना सकते हो आईलाइनर। तो ये मैंने आईलाइनर लगाया है, आप जब बाद में पिक देखोगे आपको तभी पता चलेगा कितना क्लीन लुक आया है। जिसका हाथ आईलाइनर में अच्छा है वो तो लगा लेता है, बट जिसका नहीं है ना बस उसको प्रॉब्लम हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने कर लिया है अप्लाई, बस आप थोड़ा थोड़ा टिंट खुद से भी दे सकते हो, जिस तरीके के कलर्स आपको चाहिए वो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है। जैसे आपको डार्क कलर चाहिए तो आप डार्क अप्लाई कर लीजिए, आपको लाइट कलर चाहिए आप लाइट अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैरून, मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है मेकअप, सो मैं यहाँ से मैरून को मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा 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 सा मैरून मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पे आईलाइनर के बिल्कुल ऊपर, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो, एंड यहाँ से थोड़ा बिखर गया है इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। बस गाइस दैट्स ऑल फॉर आई मेकअप। आप थोड़ा और ब्राइटन अप करना चाहते हैं तो आप और ब्राइटन अप करने के लिए थोड़ी सी ब्लैक शेड ले सकते हैं, एंड इसको आउटर कॉर्नर पर इस तरीके से फिल कर लीजिए, आउटर कॉर्नर से काफ़ी अच्छा लगता है, ये देख सकते हो आप। सो आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस हो गया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश ले रही हूँ, यहाँ पे कोई भी ब्लश ले लीजिए, यहाँ पे मैं लाइट पिंक ब्लश ले रही हूँ। आपको थोड़ा डार्क मेकअप चाहिए आप डार्क पिंक ले सकते हो इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा हाइलाइटर है, हाइलाइटर अप्लाई करेंगे हम, वाइट हाइलाइटर ले रही हूँ मैं, जिसको मैं अपने इस वाले एरिया पे अप्लाई करूँगी, इस वाले एरिया पे, जिससे मेरी आईज़ काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग लगे। ये देखिए बहुत ही शाइन आ गई है इस तरीके से, ये देख सकते हो काफ़ी शाइनी लग रहा है। इसके बाद फिंगर्स की हेल्प से नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड चीक्स पे, चीक बोन्स पे, आप चाहें तो गोल्डन हाइलाइटर भी ले सकते हो। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा शाइनी मेकअप लग रहा है मेरा, आई होप आपको दिख रहा हो। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो मैं ले रही हूँ यहाँ से वाइट हाइलाइटर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस पैलेट से। सो यहाँ पे एंड यहाँ पे और शाइन के लिए, एंड थोड़ा सा अपने कॉलर बोन्स पे भी आप लगा सकते हो, जिस
यहाँ लगा लीजिए. ओके एंड द लास्ट स्टेप इज़ अवर लिपस्टिक. लिपस्टिक आप कोई भी ले लीजिए, मैं लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ. गाइस ये बिल्कुल सिंपल मेकअप लुक है, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बताया है आपको. जैसे आपको कोई ऐसा नहीं बताया कि आप कॉन्टोरिंग कीजिए, आप सिर्फ बिगिनर्स के लिए बताया है जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है. एंड ऐसे सो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की लिपस्टिक ही अप्लाई कर ली है. एंड गाइस जो मेकअप है वो बिल्कुल डन है. अब मैं थोड़ा सा टचअप और कर लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा मेकअप. सो हे गाइस वेलकम बैक. सो माय मेकअप इज़ फुल्ली रेडी और मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी पहन ली है और बिंदी लगा ली है. सो गाइस मेकअप डन हो चुका है एंड बस हेयर स्टाइल की कमी है. हेयर स्टाइल आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल्स बताए भी हैं. सो आप कर्ल्स कर सकते हो, खुले छोड़ सकते हो, आपने जैसे करना है आप वैसे कर लीजिए. एंड गाइस देख सकते हो आप मेकअप कितना अच्छा एंड ग्लोइंग आया है. बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेकअप थोप लिया है, एंड काफ़ी लाइट एंड बहुत ही शिमरी एंड शाइनी मेकअप हुआ है गाइस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड साथ में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आप तक ज़रूर पहुँच जाए. बाय गाइस, हैव अ नाइस डे.